नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और लेकर आया हूं आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है डियर डायरी। तो डियर डायरी में क्या होता है? अरे यार, आप लोग हमें अपनी खूबसूरत सी स्टोरीज़ भेजते हो और मैं आपको वो स्टोरीज़ आप लोगों तक पहुंचाता हूं, यानी कि सुनाता हूं। आवाज़ मेरी होती है लेकिन लिखे शब्द जो होते हैं वो आपके होते हैं। जी हाँ, आप मुझे कोई सी भी स्टोरी भेज सकते हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, इमोशनल हो, है ना, या फिर लव स्टोरी हो। तो जो भी स्टोरी आपके पास हो या आप अच्छे लिखते हो तो आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी जो है बड़ी डिफरेंट है, मज़ा आएगा आपका सुनकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गेसू है। नाम कितना डिफरेंट है यार, है ना। तो ऐसे नाम जो होते हैं ना वो कभी कभी आपके जहन में रह जाते हैं। तो चलिए, नाम है मेरा गेसू और मैं हरिद्वार में रहती हूँ। गंगा किनारे रहना और वहाँ की आरती सुनना मेरा फेवरेट पास टाइम है। जी हाँ, मैं बचपन से लेकर अपनी जवानी तक यही तो करती आ रही हूँ। खैर, अब मैं गंगा किनारे खड़ी हूँ और आरतियों की घंटियाँ जो हैं वो मेरे कानों में बज रही हैं। मेरा मूड है कि मैं अब इसके बीच में ही रंग जाऊं, लेकिन क्या करूं, मम्मी का फ़ोन बजता है। शोरगुल में बस इतना ही कह पाई हूं मम्मी को कि मम्मी मैं जल्दी से घर आ रही हूं, और फटाफट वहां से भागती हुई मैं घर पे पहुंच गई। घर पहुंचते ही मम्मी की वही डांट, और उस डांट के पीछे एक खास कारण। तेरे पापा को पता लगेगा ना तो बहुत डांट लगाएंगे तेरे को, क्योंकि 10 दिन बाद तो तेरी शादी होने वाली है। खैर, आपको बता दूँ कि 10 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। शादी जो है एक बड़ा ही पवित्र नाम है ना, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि शादी करने से पहले ना आपको प्यार होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको प्यार नहीं है तो शादी बेमानी है, यानी कि शादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें शादी से पहले प्यार होता है और जिनकी अपने प्यार से शादी होती है। खैर, मैं उन लकी लोगों में से तो नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसे ही तो निकल रही थी। लेकिन हाँ, हर लड़के या लड़की के दिल में ना कभी किसी के लिए प्यार जरूर पनपता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्यार में तो मैं थी लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। खैर, क्या करूं, अब 10 दिन बाद तो मेरी शादी है और मेरी माँ ने मुझे फटकार लगा दी है कि अब तू घर के बाहर पांव तक नहीं रखेगी। मैं जल्दी में अपने ऊपर वाले कमरे में गई। भाई, छत वाला कमरा मेरा जो था, मैं बचपन से ही वहाँ रही थी और गुड्डे गुड़ियों से लेकर अब इतनी बड़ी हो गई थी कि मेरे इस कमरे में चारों तरफ मेरी शादी का सामान बिखरा पड़ा था। इवन मेरी फेवरेट जगह जहाँ पर मैं बैठकर किताबें पढ़ती थी वो भी चूड़ियों से भरी पड़ी थी। भाई, नखरीली तो मैं शुरू से ही थी, लेकिन होता है ना, आप कितने भी नखरे कर लें लेकिन आपको एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। और छोड़ना भी इस वजह से पड़ रहा है कि मुझे हर बार यही लगता था कि मैं तो अपने मम्मा पापा साथ रहूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये रीति रिवाज जो है ये ऐसे ही है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। खैर, काफ़ी सारे मेहमान घर आ चुके थे लेकिन मेरा जो कमरा था वो बिल्कुल बंद था। मैं उसमें किसी की एंट्री नहीं चाहती थी अपनी यादों के अलावा। आज फिर उन यादों में खोई ही थी कि पीछे से आवाज़ आई, कैन आई हेल्प यू। ये इंग्लिश नुमा आवाज़ जो थी ना, मुझे हर बार पहचान आ जाती थी। जी हाँ, मेरे पड़ोसी हैं जिनका नाम है शेखर। सच कहूँ तो यही वो लड़का है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई हूँ, और मेरा दिल है कि मैं शादी से पहले एटलीस्ट इसे एक बार बोल तो दूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाला कमरा उसका है, यानी कि बीच में एक दीवार है छत की और साथ वाला कमरा उसका। तो उसने मुझसे वहाँ से पूछा, कैन आई हेल्प यू। हालाँकि मैं थोड़ी हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई लड़की और वो थोड़ा इंग्लिश में लिटरेचर हाई लड़का, एलीट क्लास वाला, लेकिन मैंने उसे कह दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा दिल करे कि शायद उसको बुला ही लूँ यार, एटलीस्ट उसका दीदार तो हो जाएगा। पर फिर घंटियाँ बजती थी और दिल में ध्यान आता था कि 10 दिन बाद तेरी शादी है गेसू, क्या करेगी तू, शादी के दिन ना डांट पड़ जानी है तुझे। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकलते रहे और एक दिन जब मेरी शादी को 7 दिन के करीब रह गए थे तो मैं छत पर आई और मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे उससे बात कर ही लेनी है, जो मर्जी हो जाए। मैंने देखा कि वो अपने रूम में टहल रहा था। छोटी सी खिड़की से मैं अक्सर उसे देखा करती थी। मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उससे पहले जिस दीवार से मैं पार करके गई थी वो दीवार मेरे लिए अनजानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं उस दीवार से निकलती रही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा डर था दिल में। डर होना लाजमी था, जब आप सच्चे होते हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता, लेकिन जब आप किसी चीज़ में डूबे होते हैं ना तो आपको हमेशा एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार, अगर मैंने यहाँ झूठ बोला या मैं पकड़ी गई तो घर वाले क्या कहेंगे, और ख़ासकर वो लड़की जिसकी 10 दिनों के बाद शादी है। खैर,
मैं कुछ बोली नहीं और मैं फटाफट से अपने दिल को समझाया और मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं जाऊंगी उससे हाय हेलो बोलूंगी और उसको बताऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने उसके दरवाजे को नोक किया 2 बार और उसने फटाक से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ गए। इस टाइम तुम यहाँ गेसु? शेखर ने बड़े प्यार से कहा थोड़ी हैरानगी के साथ। आवाज़ उसकी इतनी अच्छी थी कि मेरे जहन में हर बार टिक जाती थी। मैंने उसे देखा और देखते ही उसे कहा कि क्यों, मैं यहाँ हो नहीं सकती। उसने बड़े तहजीब से कहा, हो तो सकती हो लेकिन 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है गेसु। मैंने एक नज़र उसके कमरे में दौड़ाई और देखा कि वैसा ही बेतरबा रूम है ना, जैसे अक्सर लड़कों का होता है। चीज़ें कहीं बिखरी पड़ी हैं, कहीं पर चीज़ें इधर उधर समेटी पड़ी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक चीज़ समझ आ रही थी कि उसके वो कप, जी हाँ, वहाँ पर उसके कुछ कप्स पड़े थे जिसमें वो कॉफ़ी पीता था और वो ज़्यादातर हम दोनों की फ्रेंडशिप की निशानी थी। मतलब मसलन मैं उसके हर बर्थडे पे उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। यूँ तो हम दोनों बचपन से बड़े हुए हैं साथ साथ और ऐसा भी नहीं है कि हमारी फैमिलीज़ में प्यार नहीं है। मेरे पापा उसके पापा के ज़बरदस्त दोस्त हैं, मेरी मम्मी और उसकी मम्मी सहेलियां हैं और हम दोनों फ्रेंड जोन में हैं। यानी कि बचपन से मैं जो बड़ी हुई हूँ वो शेखर के साथ ही हुई हूँ। लेकिन शेखर हर बार मुझे यही कहता था कि तुम ना यार शादी करोगी ना तो किसी ऐसे लड़के से करना जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश जो ना बड़ी वीक है। वो अक्सर मुझे कहता था, ये क्या हिंदी गाने सुनती रहती हो, समटाइम ट्राई न्यू थिंग्स। लेकिन हम ठहरे भाई हिंदी मीडियम वाले, मुझे तो वही कुमार सानू से लेकर उदित नारायण के 90s वाले गाने पसंद थे। लेकिन वो हर बार मुझे डांटता कि थोड़ा अपने आप को ग्रूम करो, थोड़ा चीयर अप करो। अब मैं उसे क्या बताऊँ, है ना, कि मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की जगह नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। खैर मैं वहाँ कुछ कह नहीं सकी, लेकिन उससे पहले ही उसने कह दिया मुझे कि जल्दी से जाओ, तुम्हारी मम्मा या पापा ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बस उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं बैठ सकती हूँ। उसने मेरे लिए चेयर ऑफर करी और मैंने उसे बस इतना ही कहा, शेखर आई लाइक यू, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ। शेखर एक टक मुझे देखता रहा। उसने कहा, मैं जानता हूँ लेकिन अब तुम्हारी शादी है, वो भी सिर्फ महज 10 दिन बाद। लेकिन मैंने कहा कि क्यों, प्यार तो प्यार है ना, शादी तो मेरी 10 दिन बाद है पर मैं तुम्हारे साथ प्यार का इजहार नहीं कर सकती, तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, हाँ बता तो सकती हो लेकिन ये वाजिब टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। उसका इतना कहना था और मैं मुँह फुला के बैठ गई। मैंने कहा, पहले सच से बताओ, क्या तुम मुझसे लाइक करते हो, पसंद करते हो या प्यार करते हो? उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद जब उसने ये बात कही तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो मैंने उसे पूछा कि कब से? उसने कहा कि जब से हम मिले हैं तब से। जब से जब तुम पेन को मुँह में डालती थी, तब से जब तुम्हें अपने शूज़ के लेसिस तक बांधना नहीं आता था, तब से तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तो मैंने बड़ी हड़बड़ाहट में कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, कभी मौका नहीं मिला, या यूं कहूँ कि मैं तुम्हारे पापा के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हारे पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और मैं नहीं चाहता था कि हमारी फैमिली में कोई तकरार आए। इसी बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरी माँ फटाफट मेरे रूम में आई और मुझे आवाज़ लगाने लगी, गेसु कहाँ है तू? माँ थोड़ा धीरे बोल रही थी क्योंकि उसे ये था कि लड़की कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई है। उसने गली में देखा, मैं गली में भी नहीं थी, उसने हर जगह देखा। तो माँ भागकर नीचे चली गई और मुझे शेखर से बहुत डांट पड़ी। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इधर मत आओ, अब जल्दी जाओ और अपने घर वापस चले जाओ अपने रूम में। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पहले तो मुझे बताओ सारी बात कि कब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, कब क्या हुआ। तो उसने बस इतना ही कहा कि देखो मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिलीज़ में कोई बात हो, तुम्हारी शादी है 10 दिन बाद, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। उसने मुझे इतना कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जाने लगी। तो जाते जाते उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा, और सुनो शादी पे मेरी फेवरेट ड्रेस डालकर आना और घर पे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से दोस्ती निभाते हुए हम दोनों के लिए ये रिश्ता फाइनल किया है।
बस मैं मुस्कुरा दी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रिश्तों में थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी सी सरप्राइजेज रखनी चाहिए, तो ये हम दोनों के बीच में एक सरप्राइज़ ही बनकर रह गया, और वो भी हमारी फैमिली के लिए। तो ये थी जी मेरी खूबसूरत सी कहानी। ये स्टोरी मुझे भेजी है पंजाब से पल्लवी ने, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी पल्लवी की जुबानी। मेरा नाम पल्लवी है, मैंने बीटेक किया है और बहुत अच्छे नंबरों से किया है, हालांकि टॉपर रह चुकी हूँ, और मेरा दिल था कि मैं किसी मेट्रो सिटी में जॉब करूँ। कुछ टाइम मैंने लगाया भी, कुछ टाइम बॉम्बे, कुछ टाइम दिल्ली, और फाइनली अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने ही घर यानी कि पंजाब में। हालांकि ये मेरा घर नहीं है, और मेरा घर एक गांव में है, लेकिन मैं पंजाब के एक बड़े शहर लुधियाना में रह रही हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली तब जब यहाँ सर्दी होती है। सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। क्या कहें, पंजाब की सर्दी में बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, और आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। जी हाँ, हालांकि लुधियाना जो है बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ फिर भी लड़के लड़कियों का इकट्ठा रहना अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ लिविंग में रहते थे, 2 साल का रिलेशन था हमारा, लेकिन अब वो जा चुका है और मैं अकेली हो चुकी हूँ। हर रोज़ की तरह काम से लौटी हूँ और कॉफ़ी पीते हुए बस उसी को याद कर रही हूँ, उसी के कॉफ़ी मग में चाय या कॉफ़ी पीती हूँ अब मैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना और फिर चले जाना कुछ ना कुछ संकेत देता है, चाहे वो आपकी ज़िद्दी चीज़ों को लेकर आपको सुधारने का मौका हो, या फिर आपको अपनी पुरानी चीज़ों को सही करने का एक नया मौका हो। खैर, अब मैं रिलेशन में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, प्रिंस की याद बहुत आती है, वो था ही इतना प्यारा। हालांकि हम दोनों में एक बड़ी कॉमन बात थी, हम दोनों पंजाबी थे और हम दोनों लड़ाई भी पंजाबी में करते थे। लेकिन एक बात उसकी खास थी, वो हर बार मुझसे सॉरी बोल देता था, या यूँ कहूँ कि शायद उसको प्यार में थोड़ी सी कदर थी। और प्यार की जो कदर करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन उसके जाने से पहले मैंने देखा कि लास्ट के 6 मंथ में यानी कि 6 महीने में उसका मेरे साथ नज़रिया बदल चुका था। वो मुझे प्यार तो करता था, लेकिन इतना तसल्ली बख्श नहीं, वो चेंज हो चुका था, थोड़ा शायद रूठ चुका था, या कहूँ कि रूखा रूखा रहने लगा था। अक्सर ऐसा होता है जब आप किसी को छोड़ना चाहते हो ना, तो आप ज़िंदगी में उससे बहुत सारी कमियाँ निकाल सकते हो। कहते हैं ना, किसी का साथ देने के लिए एक खूबी काफ़ी होती है, लेकिन किसी को छोड़ने के लिए हजारों कमियाँ आप निकाल सकते हो। तो ऐसा ही उसने किया। शायद अब मैं उसे इतनी सुंदर नहीं लगती थी, शायद अब उसको मेरा रात को लेट नाइट मैगी बनाना अच्छा नहीं लगता था, शायद उसे अब मुझसे ज़्यादा वेब सीरीज़ से प्यार हो गया था, लेकिन भाई छोड़ तो गया था वो मुझे। या मैं यूँ कहूँ कि एक दिन सुबह उठा और उठते ही उसने कहा कि इट्स ओवर नाउ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और मैं भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में उससे कुछ कह नहीं सकी, मैंने सिर्फ इतना कहा इट्स ओके, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, वैसे भी ज़िंदगी में लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं और चले जाते हैं। मैंने कभी भी उसको मुड़कर फ़ोन नहीं किया, लेकिन वो होता है ना कहीं दिल में कोई ना कोई टीस रह जाती है। तो मैं उसे बस इतना ही कह रही थी कि सुनो, शायद सपनों में ही कह रही थी, क्योंकि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे कभी इजाज़त नहीं दी कि मैं उससे बात करूँ। हालांकि मैं फेसबुक पर, इंस्टा पर उसे अभी भी फॉलो कर रही थी, उसकी चीज़ों को देख रही थी, उसे निहारती थी, लेकिन फ़ोन करने की हिम्मत कभी नहीं करती थी। आज संडे का दिन था, सुबह सुबह मैं कॉफ़ी उसी के मग में पी रही थी कि एक बेल बजी। बेल बजी और एक लड़का सामने आता है मेरे। उसने कहा कि मेरा नाम मोहित है, मैं प्रिंस का दोस्त हूँ और उसका सामान है आपके यहाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका सामान मुझे दे दें। मैं उस पर बरस पड़ी, मैं उसको डांटने लगी कि कौन हो तुम, आई डोंट नो यू, निकल जाओ यहाँ से, और कोई सामान नहीं है उसका मेरे पास। मैंने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया, हालांकि उसका सारा सामान मेरे पास ज्यों का त्यों पड़ा था। मैं उसे वो सामान देना नहीं चाहती थी, उसके वो कपड़े जो कभी कभी मैं भी डाल लेती थी और डांस करती थी, वो कैसे दे देती उसको, है ना, उसकी वो घड़ी जो मुझे हर बार चुभती थी जब भी मैं उसके साथ होती थी, तो वो कैसे दे दूँ उसे। कभी कभी चुभन भी तो चाहिए ज़िंदगी में। मैं उसका कोई भी सामान उसे देना नहीं चाहती थी, वो मुझे लगातार उसकी याद दिलाता था, इसके बावजूद मैं उसका सामान अपने
पास रखना चाहती थी। मोहित मेरे पास आया तो मुझे लगा कि शायद ये मुझसे प्रिंस को खोज कर लेकर जा रहा है। वो चला गया और मैं आराम से बैठी रही। कुछ दिन बाद देखा कि एक पार्टी है, वो हमारा ग्रुप था और ग्रुप में सब लोग ऐड थे, इंक्लूडेड उसका दोस्त मोहित और इंक्लूडेड प्रिंस भी। सब ने लिखा कि हाँ हम सब लोग पार्टी पे आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक मैसेज का दरकनार थी, प्रिंस का मैसेज, लेकिन वो नहीं आया। खैर मुझे लगा कि कोई आए या ना आए ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं भाग कर वहाँ गई और आराम से 2 घंटे मैंने दोस्तों के साथ जम कर डांस किया कि आज मैं अपनी अच्छी सेल्फीज लूँगी, इंस्टा पे डालूँगी, हर जगह पोस्ट करूँगी, लेकिन नतीजा वही। जब घर आई तो मुंह उदास, चेहरा लटका हुआ और यादें सिर्फ उसी की। यादें भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना। कई बार हम किसी चीज़ को याद करने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमने कहाँ रखी है, लेकिन वो मिलती नहीं। और कई बार हम किसी चीज़ को बहुत भुलाने की कोशिश करते हैं और उसे चाहकर भी भुला नहीं पाते। बस यही चीज़ें मेरे जहन में चलती रही और रात से कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। खैर ऐसे तैसे करके ये वीक भी निकल गया, अगला वीकेंड आ गया, लेकिन प्रिंस का कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं। मैं चाहती थी कि मैं उसे कॉल करूं, उसे बुलाऊं, उसे पूछूं कि आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। तभी मेरे पास एक मैसेज आता है और वो था मोहित का। हे मुझे लगा कि चलो फ्रेंड्स हैं अब, उससे मैंने उस दिन बदतमीजी से बात करी, मैंने भी हेलो लिख दिया, मैंने उसे इवन सॉरी भी कहा, मैंने कहा सॉरी मेरा बिहेवियर उस दिन आपके लिए ठीक नहीं था। तो उसने बस वापसी में ये मैसेज किया कि ज़िंदगी में चीज़ों को जाने देना चाहिए, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो ना, उसको दिल में क्यों रखते हो आप। तो ये चीज़ मेरे जहन में इतनी टकरा गई कि मुझे लगा कि इस लड़के से एक बार तो मिलना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि चलो मोहित आज शाम को मिलते हैं, तुम मेरे फ्लैट पे आओ। वो मेरे रूम में आया और उसने देखा कि हर जगह प्रिंस का सामान पड़ा है। तो उसने मुझे कहा कि एक बात कहूँ, तुम चीज़ों से पता क्यों नहीं निकल पा रही हो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे आसपास हैं। खैर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसने मुझे कहा कि तुम अभी भी उसे मिस करती हो। मैं बोली नहीं, लेकिन वो समझ चुका था। वो एक हमारी फॉर्मल सी मीटिंग थी, उसके बाद वो घर चला गया और हम बाद में फ्रेंड्स बन गए। थोड़ी बहुत मैसेज होता था, चैट होती थी। एक दिन उसने कहा कि लेट्स कैच अप, आज शाम को मिलते हैं कहीं। मैं भी उस दिन फ्री थी तो मुझे लगा कि चलो मिल लेते हैं, इसी बहाने प्रिंस की कोई खोज खबर तो लगेगी मुझे। जैसे ही मैं उस कैफेटेरिया में पहुंची, मेरी आँखें डबल हो गई। मैं सोचकर हैरान हो गई कि जिस इंसान को मैं सामने देख रही हूँ क्या वो सच में प्रिंस है। कुछ बदला ही नहीं है इसमें। बदलना भी क्यों था, अभी 1-2 महीने तो हुए हैं हमारे ब्रेकअप को। वो वैसा ही बेतरब, बिल्कुल बेफिक्रा मुझे देखे जा रहा था। उसने हालांकि मुझे हल्की सी स्माइल दी, हम लोगों ने बातें शुरू करी, उसने पूछा आजकल क्या चल रहा है, मैंने बताया और मुझे लगा कि शायद अब वो बात नहीं है हमारे रिश्ते में जो मैं सोच रही थी। मोहित उठकर वहाँ से जा चुका था फ़ोन का बहाना लेकर, शायद वो चाहता था कि हम दोनों में पैचअप हो जाए, हम दोनों मिल लें, हम दोनों शायद फिर से एक हो जाएं। लेकिन मेरे दिल ने अब पहचान लिया था कि हम अब कभी एक नहीं हो सकते। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं आराम से रात को घर आई, सोचा, बहुत सोचा और फिर मैंने ये सोचा कि ज़िंदगी सच में किसी एक के चले जाने से रुकती नहीं है और ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग मिलते रहेंगे। तो इसी नोट के साथ मैंने अगले दिन सुबह मोहित को फ़ोन किया और मैंने कहा कि क्या तुम अभी आ सकते हो मेरे घर। संडे होने की वजह से वो झट से मेरे घर के पास था। मैंने उसे कहा कि मैंने प्रिंस का सामान पैक कर दिया है, तुम ये सामान लेकर चले जाओ। तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि ज़िंदगी जो है आगे बढ़ने का नाम है, तुम आगे बढ़ना चाहती हो बढ़ो, क्योंकि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है आगे बहुत पड़ी है। और मैंने भी उस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया और उसके जाने के बाद मैंने एक कप कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, लेकिन हाँ इस बार वो कप प्रिंस का नहीं था, मेरा खुद का था, यानी कि पलवी का। तो ज़िंदगी आपको हर कदम हर जगह पर नए लोगों से मिलवाती है, नई चीज़ें सिखाती है। तो यही है जी मेरी आज की कहानी। तो गाइस ये थी आज की 2 खूबसूरत सी कहानियाँ। अगर आपके पास भी हैं कोई अच्छी सी खूबसूरत सी स्टोरीज तो आप मुझे भेज सकते हैं, नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हाँ अगर आप अच्छा लिखते हो ना तो मैं हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ मैं आपकी जो लेखनी है उसकी आवाज़ बनूंगा और आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो जल्दी से जुड़े हमारे साथ और अब
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा में। डाउनलोड द ऐप नाउ।